भाई श्री माता बनाकर स्वागत करें। भाई रौनकपुरी जी से निवेदन करूंगा आप पधारें और भाई श्री रघु बना बताना चाहूँगा कि मैं किसी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने पिछले लंबे 3 सालों से छात्रों के बीच में काम किया है, निर्दलीय रहकर किसी भी संगठन को मैंने अपनाया नहीं था। ये था कि मेरे काफ़ी जो मेरे साथी थे वो एबीपी से भी जुड़े हुए थे, काफ़ी साथी मेरे एनयूएसए से भी जुड़े हुए थे। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी विचारधारा से अभी तक नहीं जुड़ा हुआ था। मैं मेरे व्यक्ति विशेष से मेरे भाई देव सोनी को समर्थन दे रहा हूँ। क्या रणनीति रहेगी, क्या आप अपेक्षा रख के साथ में जुड़े हैं? देखो, मेरा ये मानना है कि जो भी बड़े संगठन होते हैं वो अधिकतर किसी बड़े सपोर्ट के साथ या बड़े जो पैसे या सिफारिशों से जो टिकट मिलता है तो सब उसे ही समर्थन करना चाहिए। बड़े पार्टी, बड़े संगठन, बड़े लोग होते हैं। यहाँ एक निम्न परिवार से मेरा भाई आ रहा है, इसी संगठन से, किसी भी संगठन से वो टिकट लाया है। मैं आप सभी भाइयों से, और मैं ये चाहता हूँ कि आज एक हमारे बीच बैठा हुआ छात्र, एक आम छात्र, छात्र संघ अध्यक्ष बने, क्योंकि उसे पता है कि छात्रों की समस्या क्या है। जो हवा में रहते हैं उन्हें पता ही नहीं, जो महलों में बैठते हैं उन्हें पता ही नहीं कि छात्रों की समस्या क्या है। यहाँ छात्र ग्रामीण परिवार से आते हैं, उनको रहने की समस्या, उनके यहाँ पढ़ने की समस्या, उनका ध्यान सिर्फ उनके साथ बैठा हुआ उसी परिवार से उठा हुआ छात्र कर सकता है। इसलिए मैंने मेरा पूर्ण समर्थन मेरे भाई देव सोनी को दिया। ऑडियो वायरल हो रहा है जी। सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि छात्रों को पता है कि उनके बीच किस छात्र नेता ने काम किया और किसने नहीं। तो आज जो बरसात का मौसम है उसमें मेंढक बहुत सारे बाहर आएंगे, तो अगर कोई उसी पानी के बीच रह के अगर छात्रों का काम कर रहा है ना, तो उसे बरसाती मेंढक ना कहा जाए, कि छात्रों को पता है कौन उसके हित के लिए लड़ा है और कौन लड़ेगा और आगे भी लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। निर्दलीय थे ये, अब ये निर्दलीय नहीं रहे, आपके समर्थन में आगे क्या उम्मीद है आपको? सबसे पहले तो मैं मेरे भाई राजेंद्र सिंह भाटी और उसकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि उसने पूरी टीम और खुद का मुझे समर्थन दिया है। इसका आभार मैं पूरे दिल से व्यक्त करना चाहूँगा। यह एहसान मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा कि इस मेरे कठिन समय में इस भाई ने एक भाई का साथ दिया है। ये मेरे लिए सबसे यादगार चुनाव का निर्णय, जो होगा मेरे पक्ष में होगा, विपक्ष में होगा, ये बात की बात है। और भाई का साथ मिला है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पक्ष में निर्णय होगा। लेकिन जो भाई ने आज साथ दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से इस भाई का तथा पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई ने मुझे समर्थन दिया है, इस चीज़ की मुझे अपेक्षा पहले से थी, क्योंकि जो भाई संघर्ष को देखते हैं, मैंने भी इनके संघर्ष को देखा है, कहीं ना कहीं इन्होंने भी संघर्ष किया था। लेकिन इनके साथ किसी पार्टी ने अगर इस तरीके की धोखाधड़ी करके इनका टिकट काटा है, तो आज इस भाई ने एक सच्चे भाई का साथ दिया है, ये मैं जीवन भर याद रखूँगा। और हमेशा हम भाई मिलकर छात्रों के साथ, हम छात्र हितों में उनके लिए काम करेंगे। जो हमारा उद्देश्य एक ही है, छात्र हितों की सेवा करना, उस उद्देश्य को सर्वोपरि रखकर हम छात्रों की सेवा करेंगे।